भिंडी है नहीं ये है ना ये नहीं फूल कहा आया जब भिंडी ने कराई है भिंडी क्या है कौन फल बताओ ना आ गई फल बताए फल देखिए जब भिंडी है ये भिंडी है भिंडी नहीं है भिंडी बरवाटी ये बरवाटी न हो भिंडी रेड़ा ना हो रेड़ा न हो समझती है नहीं तो जब बाजू में दिखाओ बाजू में दिखाओ बाजू में जब बाजू में बताओ जरा ये कौन से है फल बता दो फल 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 से समझ जाएंगे दिखा रहे हैं पत्ता से नहीं समझ है रज्जवाई को ताराबाई को भी लेके आओ फल से समझ जाएंगे फल फल दिखा रहे हैं आपको बाजू में ये बाजू में अगरवाल फल ये फल है हाँ, तो बरबटी है बरबटी नहीं है ये भिंडी है नहीं भिंडी नहीं है बरबटी है भिंडी है नहीं बरबटी है ये धीरज हाँ से बताओ ये भी बरबटी है जो भाई आप बताओ ये क्या है एकदम क्लोज बरबटी है ना जी बरबटी भिंडी ये वो बरबटी रुको ताराबाई आ जाओ जरा आप बताओ तो जी आते हैं ये क्या चीज़ बताओ जरा कौन बरबटी है भैया नहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में थोड़ी पतली वाली भिंडी है भैया हमको और ये भिंडी है भिंडी है ये भी भिंडी है गोवर्धन भैया बताएंगे रुक जाओ अब आप लोग रुक जाओ गोवर्धन भैया बताएंगे ये काय का पेड़ है बता दो ना भिंडी की रेड़ा है रेड़ा भैया आप कुछ भी बोलो भिंडी है भिंडी है पक्का बिल्कुल आप लोग को पता है मतलब अच्छा रुको रुको तारा भाई रज्जू भाई से एक बार और पूछ रहे हैं ये बताओ ये क्या है फर देखिया ये तो भिंडी है भिंडी है हाँ और ये ऊपर लटक रही है क्या बरबटी है बरबटी है और कलर का थी करेला नहीं करेला तो पतला है थोड़ी पतला नहीं है मोटा होता करेला बरबटी पतली होती है भिंडी है ये भिंडी है ना हाँ भिंडी है ये बरबटी है बरबटी है हाँ भिंडी तो यह है भिंडी या अच्छा चलो ठीक है यह है भिंडी तो आपके खेत में क्या क्या लगा है हमारे खेत में भाटा भर लगे हैं और सेब घर में लगे हैं टमाटर की और तारा भाई आपके यहाँ क्या लगा मेरे यहाँ सजी लौकी मेरे यहाँ तो घर में लगे हैं सब मेरे यहाँ बरबटी मेरे यहाँ रिरुआ मेरे यहाँ मिर्चा मेरे यहाँ भाटा थोड़ा थोड़ा भिंडी तो लगी नहीं आपके भिंडी लगी नहीं तो कैसे पहचान गए मेरे यहाँ लगी है सजी भिंडी हार में बहुत है हार में गोवर्धन जी आप बताओ हार के लिए आपके यहाँ क्या क्या लगा है तो इसकी खेती बाड़ी कैसे आप खुद करते हो या किसी की मदद लेते हो कुछ परिवार परिवार के साथ में लोग करते हो आप क्या क्या कर लेते हो खेत में हम खेत में जोर बोनी करवा दिए जोर जोर से बोलिए जुताई बोनी करवा दिए जुताई बुवाई आप करवा देते हो जी और जैसे निंदाई कहीं रह गए टूट टूट आप मरवा लेते हो और जैसे निंदाई गुड़ाई हो गई तो वो करवा लेते हो आप जो समझ में आता है कर लेते तोड़ने उड़ने की बात रही जैसे भिंडी तोड़ना है लौकी टमाटर फल तोड़ना है सब्जी तोड़ना है तोड़ देते हो तो उसमें तोड़ के कैसे किसी की मदद लेते हो कि आप अकेले तोड़ लेते हो नहीं हम भिंडी अकेले तोड़ लेते हो तोड़ तोड़ के फिर कैसे रखते कहाँ हो पॉलीथिन में रखते अच्छा तोड़ के झोला वोला में रखते जाते हो ठीक है अच्छा तारा भाई जी बताओ आप खेत में क्या क्या काम कर लेते हो खेत में मैं सर जी झूठ नहीं बोलती हाँ मेरा भाई भाभी है हाँ। तो उसी के साथ में मैंने लगी रहती है उसी से करवाती हूँ अच्छा वो साथ हाँ, साथ देते हैं आप बताते जाते हो कि हाँ। ये करो ऐसा करो हाँ। तो वो लोग करते हैं और आप खेत में उनके साथ में बैठे रहते हैं सर जी और चारा भी होता है सर जी तो मैं उखाड़ देती हूँ आप पहचान लेते हो चारा के जैसे अभी भिंडी इंडी आप लोग पहचान ली ठीक है ना अच्छा रज्जू भाई आप क्या क्या कर लेते हो खेत में हम खेत नहीं करते नहीं नहीं निंदाई गुड़ाई वगैरह नहीं अपने घर से बाहर नहीं नहीं तो खेत सब्जी घर में लगते हैं सब्जी वगैरह की खेत में फिर कैसे जाते हो है? कैसे पहचानते हो इतना सब खेत में से जब घर में लगते पौधा ना सेमी बरबटी लौकी हर चीज लगती है टमाटर उसको बैठे बैठे गए तो अपने देख रहे कचरा बीन के अलग कर घर में लगे सब चीज चलो धन्यवाद ये तरुण संस्कार की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है उस मध्य प्रदेश सामाजिक समावेशन कार्यक्रम में ये दिव्यांगजन है जो कुछ ब्लाइंड है और कुछ लो विजन है
ओएच है। इस प्रकार ये लोग अपने अपने खेत में कोशिश कर रहे हैं और तरुण संस्कार के जो कर्मचारी अधिकारी हैं और साइट सेवर की पहल की माध्यम से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिनका आज यूनिवर्सिटी में इनका एक्सपोजर किया गया है और इन्हें 3 दिन के कैंपस में 3 दिन का जो वर्कशॉप किया गया था उस वर्कशॉप में आज करीब 30 लोगों ने, जिसमें से 7-8 समूह के जो वेजिटेबल प्रोडक्शन और सेलिंग का कॉन्सेप्ट लेके काम कर रहे हैं उनके ये एक स्केल अप ट्रेनिंग था और स्केल अप ट्रेनिंग में 3 दिन इन्होंने सीखा और आज ये यूनिवर्सिटी में एक्सपोजर विजिट करने आए और इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे तरीके से टेक्नोलॉजी रूप में किस प्रकार से इन लोगों ने अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं और इन्हें कितने ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा मैं सभी से ये आग्रह करता हूँ कि विकलांग भी बहुत कुछ कर सकते हैं और विकलांग कर सकते हैं, इसका ये जीता जागता उदाहरण तरुण संस्कार ने पेश किया है। और सबसे अच्छी बात है कि ये विकलांग में जो दृष्टिबाधित है, जिन्हें दृष्टि ही नहीं है, यदि वो खेती कर सकते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है नहीं होगा जो खेती नहीं कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राकेश सिंह, तरुण संस्कार, साइट सेवर की तरफ से धन्यवाद।